लेकिन कैसे इसके पीछे में भी हुआ था एक तीसरे बार हो गया क्या अरे एकदम हस्ते हस्ते हो गया ठीक है पानी पियो सांस मेरा रुक रहा था और पानी पियो थोड़ा सा ये बच्चे भी कैसे देख रहे तो किसके कपड़े थे खास मत खासे की जितना पानी पियो पानी 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 पियो निकल दे बस ऐसे सीधे करते हो कैसे लेते हो और मत सांस नॉर्मल नॉर्मल हो जाओ एकदम तो गाइस कल का मेरा व्लॉग देख के ना बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि ड्रामा कर रही है ये कर रही है वो कर रही है। तो देखो मैं अब ऐसे मतलब दिल भाड़ के तो दिखा नहीं सकती हूँ, जो चीज़ मैंने बोली है मैं वो चीज़ करूंगी क्यों, क्योंकि मैंने ना इतना सब कुछ इन दिनों में इतना सब कुछ झेल लिया है, इतनी ट्रॉलिंग झेल ली है कि अब परेशान हो गई हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब मैंने सोचा कि जो परेशानी मैं झेल रही हूँ ना वो बच्चे ना झेले चार, ठीक है। चीकू के सामने भी सारी चीजें आ रही हैं, उसको भी दिख रहा है सब कुछ, पर वो बच्चा मुझसे सवाल जवाब नहीं कर रहा है। अभी वो इतना मैच्योर भी नहीं है कि उसे चीजें समझ में आए, आगे जाके वो थोड़ा और मैच्योर होगा, वो मुझसे सवाल जवाब करे। उससे पहले ही मैं सोच रही हूँ कि सारी चीजों को ठीक करे, और ठीक कैसे होगा, या तो हम तीनों अलग हो जाए या दो अलग हो जाए एक अलग हो जाए, यही हो सकता है। अभी उनको तो अंदर पता नहीं चल रहा बाहर क्या चल रहा है, उनको बाहर का कुछ नहीं पता, पर मुझे तो पता चल रहा ना बाहर क्या चल रहा है। इतनी ट्रॉलिंग, इतनी हेट, इतनी गालियां कभी जिंदगी में नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि लोगों को सच जानना ही नहीं है, लोगों को जो कोई कुछ भी बोल रहा है ना बस उसी पे बातें करनी है, उसी पे ट्रॉलिंग करनी है। एक और चीज है जिसके बारे में मैं कल बात करूंगी, आज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी ना उसकी पूरी चीजें नहीं आई हैं। जब वो सारी चीजें आ जाएंगे ना उसकी रिगार्डिंग भी वो बहुत कमेंट आ रहे हैं, कल वो चीज पूरे उसके साथ मैं आपको बताऊंगी। आज तो नहीं उसका मैं पूरा आपको क्लियर कर सकती हूँ, कल क्लियर करूंगी, पर ये मेरा डिसीजन बिल्कुल कंफर्म है। ये मेरी बहन है, मतलब बहन नहीं है, बहन से भी ज्यादा है, बचपन से मेरे घर के सामने रहती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। 17 से 18 साल, मतलब ये जब हम पहले से रहते थे, ये बाद में आए थे हमारे घर के सामने, 17 से 18 साल हमारी दोस्ती को हो गए, और ये हर एक दुख सुख हर एक चीज में मेरे साथ खड़ी, कभी भी कोई जरूरत हो या कुछ हो तो ये मेरे काम आती है। जब इसे मुझे देखा ना रोते हुए, और रोज मेरे को व्लॉग्स में देख रही है कि लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो इससे रहा नहीं गया, इसने टिकट बुक करी और ये आ गई मेरे पास। इसने मेरे को बोला कि तू कहीं मत जा, तू एक काम कर मेरे घर चल, जब वो आ जाएंगे तब तेरा जो भी डिसीजन होगा वो देख लेंगे, अभी तू मेरे साथ चल। देखो ऐसा है कि मैं चारों बच्चों के लिए जा सकती हूँ, जैद, दयान, तूबा, चारों मेरे बच्चे हैं, चारों को मैं आराम से पाल सकती हूँ, पर जैद के बिना गोलू नहीं रह सकती, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है, हम तीनों अलग होंगे कि हम दो अलग होंगे, कि हम दो एक साथ रहेंगे एक अलग रहेगा, वो नहीं पता, वो सब डिसाइड करेंगे। क्योंकि बच्चों को हम ये सब चीजें नहीं सुनवा सकते यार, माँ बाप सुन सकते हैं, अपने बच्चों पर नहीं ले सकते, ठीक है। या तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ लोग हमें जानते ही ना हो, या तो हम YouTube ही छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, YouTube छोड़ना पड़ जाए कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि लोगों ने इतनी इतनी बातें बना दी हैं कि मैं बता ही नहीं सकती, ठीक है। अगर कोई ऐसा कुछ ब्लेम हमें करता है तो सबको हमारे एड्रेस पता है, सब हमारा जानते हैं हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। अगर किसी को लगता है किसी के साथ कुछ गलत किया है तो ये हमारा घर है, ए टू जेड, पूरी यूट्यूब, पूरे यूट्यूब को पता है, पूरे मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया को पता हम कहाँ रहते हैं। पहली बात तो यहाँ आ सकता है, सिर्फ कमेंट में गालियाँ लिखने से कुछ नहीं होता। अगर आपको दुनिया इतनी पागल है मुझे भी कमेंट में गालियाँ दे रही, अरे तह तक तो पहुंचो, तुझे, मम्मी को, दीदी को, मतलब जो भी हमारे पास आता है ना उन सबको गालियाँ देते हैं। अरे आप आओ घर पे आओ, आप हमें आके बोलो तुमने ये किया है तो तुमने वो किया, तुमने ये किया तुमने वो किया, तभी तो मैं बोलूंगी। सामने से कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक को अच्छाई नहीं दिखती है, अच्छाई तो कभी दिखती नहीं है। जितना स्ट्रगल किया है वो एक बार था ना, उनकी जर्नी देखने के बाद आगे आप जजमेंट कर सकते हो। आप लोगों ने एकदम से जज कर दिया कि हाँ उसका कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर उसका है, ये क्या बात होती है यार। एटलीस्ट देखो ना सामने वाले ने क्या क्या फेस करा है। वही चीज मैंने भी अपने आईडी पे बोली थी इंस्टा पे कि भाई उसकी जर्नी देखो, सब कुछ देखो, उसने बहुत कुछ फेस किया है। मुझसे तो नहीं देखा गया उसका रोना कुछ भी, क्योंकि भाई मेरी बहन है, मैं इसलिए आ गई उसके पास, और शायद आने वाले टाइम पे ये यहाँ पे रहेगी भी नहीं, और मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगी जहाँ तक है। बस अपने आपको कंट्रोल कर रखा है, और जो चीज मैंने बोली है मैं कभी भी उस चीज से निगलेक्ट नहीं करती हूँ। अरमान जी के आने के बाद ये सब हमारा डिस्कशन होगा कि क्या करना है आगे लाइफ में, क्या नहीं करना है। क्योंकि देखो कोई भी माँ ना अपने बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं सुन सकती है, और माँ को गाली दे परिवार को गाली दे कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों पे जब बात आती है ना माँ के लिए सबसे बुरी बात वही होती है। तो बस अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको बता दूंगी आगे। देख रो मत, रोने से कुछ भी नहीं होगा, बस हाँ थोड़ा सा टाइम खराब है ना, अपने आप सब नॉर्मल लग। समझा यार इतनी देर से समझा, रोज समझाती हूँ, रोने से थोड़ी कुछ मिलेगा बाबू। कमेंट
कमेंट पढ़ते क्यों हैं? वही तो, लोगों को तो कमेंट करने ही करने हैं, वो तो फालतू के काम है। वो क्या, जिनको कुछ काम नहीं होता ना, जो वेले बैठे होते हैं, वो बस यही उंगली तोड़ते हैं दूसरों के। तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम लोग अच्छे हो, बस अपनी लाइफ पे अपनी फैमिली पे ध्यान दो, दैट्स इट। भोगने दो जो जो भोग रहे हैं। अब अच्छा भी करोगे तो बुरा ही बोलेंगे, वही बुरा भी करोगे तो भी बुरा ही बोलेंगे। लोगों के लिए अच्छा थोड़ी ना करना है, आपको जिस चीज में खुशी मिलती है आपको वो करना है। सूखते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं ये बेफालतू में। यह देखने वाला तेरे को इधर, ये लोग ही हैं तेरे साथ इस टाइम पे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया सब कुछ बोलती है। मैंने तुम लोगों के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि भाई पायल को सपोर्ट करो, ये वो मेरे को बोल रहे थर्ड बीबी ये वो, अगर तुमने मिलाया तो उनकी थर्ड बीबी अरमान की अब तुम ही बनने वाली हो, मुझे गालियां दे रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती है। ट्रोलिंग तो करना तो लोगों का काम है, तू रो के अपने आंसू क्यों वेस्ट कर रही है पब्लिक के लिए? ये लोग हैं सब तेरे साथ, क्यों टेंशन ले रही है? जो साथ है तेरे साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई कितना भी तेरे लिए बुरा बोल ले ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुझे मानते हैं वो लोग तुझे कभी गलत नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात है। देख यार, मैं तो जितना जानती हूँ ना, जीजू को मैं 15-16 साल से जानती हूँ, मैंने आज तक तो कभी नहीं देखी ये बात भी नहीं सुनी। अभी तुम्हारे घर में बहुत लोग आते जाते हैं, कितनी लड़कियां आती हैं, कितनी लड़कियां जाती हैं, सब कुछ होता है। किसी के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुनी ये बात कि अरमान जी ने किसी पे गलत नजर रखे हैं। बट ये दुनिया का काम है ना, ये बोलते रहना। मैंने तुम्हारी सपोर्ट में बोला था तो मुझे तीसरी बीवी बना दिया, मेरे लिए इतना कुछ बोल दिया लोगों ने, तो भैया ये दुनिया की बातों पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लक्ष्य तुम बताओ, आज तक जीजू ने तुमसे कभी बदतमीजी करी? नहीं, कभी भी नहीं करी। तेरे को देख देख के वो भी रो रही है और मैं तो चुप हो गई। तो पागल, आपस में ना टूटो मत, तुम दुनिया को बोलने दो। और ये बात ये हमारे घर में 4 साल हो गए शांति को, शांति की बहन को भी 4 साल हो गए, उससे पहले कितनी लड़कियां हमारे घर में आके रह भी चुकी हैं। मैंने आज तक नहीं सुना इतने सालों में बहुत सारी वैष्णवी हो गई अपनी, वो हो गई जो हमारे को जिम कराती थी, निष्ठा हो गई, निष्ठा की बहन हो गई, भवानी हो गई, शिवानी हो गई, जो शिवानी बॉडी बिल्डर वो हो गई, ठीक है। और अपनी यहाँ से एक दो लड़के और नाम याद नहीं, एनी अपना दुबई का काम छोड़ के आई है, तू हमारे घर आती जाती है, इतनी लड़कियां हमारे घर आती जाती है, पूजा हमारे घर आती रहती है, मतलब उनमें से किसी के साथ कुछ भी नहीं गलत, कोई भी मुंह उठा के कुछ भी। मैं घर पे रहे 2.5 साल से, मैं तो आज तक कुछ भी ऐसा नहीं। ये देखना, एक बार हम शादी में गए थे, मैं ये और ये गोलू और वो क्या नाम है उसका, जिम वाली का भवानी, इन सब ने ना हमारा नाम यहाँ लिखवा रखा था सबने। हाँ, उसका ग्लू उठाया था, इसने भी लिखवाया था, इसने सबका लिखवाया था, मेरा गोलू का चिकू पापा का सबने लिखवाया था, सिर्फ इसके यहाँ पे जगह नहीं बची, इसने यहाँ लिखवा लिया। उसी का लोगों ने वो इशू बना दिया, कभी इसको चौथी वाइफ, कभी तेरे को तीसरी वाइफ, कभी नई लड़की आती है चौथी वाइफ, चाहे कोई भी आए, एक्स वाई जेड कोई भी आए, और मान की तीसरी चौथी बीवी हो जाती। तो वही तो, फिर लोगों की सोच ही गंदी है, तो क्या कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ, तुम हमारे घर आके रहो, 15 दिन आके रहो, 20 दिन, 1 महीना, तब आप ये जजमेंट दो कि कौन क्या है। ये अगर मैं इस डिसीजन पे पहुंची ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसका रिस्पांसिबल पता कौन है? उसके रिस्पांसिबल वो लोग हैं जो हमें जीने नहीं दे रहे, जो लोग एक तरफा बात सुन के ना हमें गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, गंदी बातें लिख रहे हैं, एक तरफ का पढ़ के। अरे यार, हमें जानो तो सही, हम क्या है क्या नहीं है। और हमारे को ना, हमें हमारे बारे में वो लोग ज्यादा बता पाएंगे जो हमारे साथ रहते हैं। गाइस, अभी इस मुद्दे पे ना और बात करने से कोई फायदा नहीं है, मेरा मन बहुत खराब हो गया, मैं थक गई हूँ बार बार बोल बोल के। जो मुझे करना होगा तो मुझे करना ही होगा, वो आपके कमेंट से या आपके तानों से तो नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। जो चीज मैंने सोची है वो तो मैं जरूर करूंगी, अब इससे ज्यादा इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, बस बहुत हो गया।